क्वेश्चन नंबर 41 नो कुछ नहीं श्री चंद्रकांत खेरे जी से प्रश्न संख्या 41 बैठो बैठो सब बाद में प्रश्न संख्या 41 नो नॉट नाउ नॉट इन क्वेश्चन नंबर नो प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन संख्या 41 मिनिस्टर उत्तर सभा पटल पर रखा है बाद में जीरो में यस जीरो में अभी कुछ नहीं अपने माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बहुत अच्छा उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि 7,32,00,000 व्यक्ति को अल्कोहल एवं ड्रग्स के सेवन करते हैं भारत में ये संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और हम लोग सारे चिंतित हैं उसके लिए क्या सरकार को ज्ञात है कि ड्रग रिलेटेड सुसाइड की घटनाएं भी बहुत हो रही है ड्रग लेके आत्महत्या कर रहे बहुत लोग और 2004 से 2014 तक के बीच काफ़ी तेज़ी बढ़ती उसमें बढ़ोतरी हुई और वो कारण से युद्ध की संख्या उसमें ज़्यादा है नॉट नाउ नथिंग नाउ मैं ध्यान में लाऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी इस चिंता व्यक्त की है और सरकार ने इस समस्या के कैसे समाप्त करने की योजना बनाई है साथ ही डी एडिशन यानी कि नशा मुक्ति केंद्र ये सब में ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 10% ही लोग उसमें रजिस्टर करते हैं मेरी सरकार से मांग है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंता व्यक्त करके हम लोग ये सारा नशा मुक्ति करें इसके लिए मैं आपसे मांग चाहता हूँ नो नॉट आई एम सॉरी एक बात आप सुनो नो नो बैठिए खड़गे जी नहीं जाना चाहिए आप रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए नहीं जाएगा मैंने ऑलरेडी बोला है ओनली क्वेश्चन एंड आंसर और एक बात सुन लो खड़गे जी अब सब चुनाव हो चुके जो जनता चौक में आप बातें होती है यहाँ नहीं आएगी नो जो हो गया जनता ने कॉल दे दिया मैं यहाँ उठाने नहीं देने वाली ये होता रहे तो आई एम सॉरी जनता चौक के भाषण यहाँ नहीं आएंगे आई एम सॉरी पार्लियामेंट की बात होगी जी माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने सवाल में उत्तर में बताया कि अभी तक जो पहले सर्वेक्षण 2001 में हुआ था उसमें जो नशा ग्रस्त लोगों की गिनती 7.7,32,00,000 थी मगर इसकी संख्या को बहुत सैंपल बहुत छोटा था मगर इसका मान्य नहीं हुआ था इसको मान्यता नहीं मिली थी मगर उनकी गिनती 2014 से उन्होंने 2004 से 14 तक के लिए पूछा है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2001 का जो हुआ था जो सर्वेक्षण उसकी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की गई थी मगर 2004 से लेकर 2014 तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ जबकि इसकी अवधि हर 5 साल बाद सर्वेक्षण होना चाहिए था मगर अभी हमारी सरकार दोबारा आई तो इसके लिए एक सर्वेक्षण हम करवा रहे हैं जिसका एक NDDTC जो एम्स का एक उपक्रम है नेशनल ड्रग जो एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर उसके माध्यम से अभी एक मंत्रालय ने एक उनके साथ MOU साइन किया है जिसकी रिपोर्ट जो है मार्च 2018 तक आने की उम्मीद है तो इससे उनकी संख्या की वृद्धि के लिए कितना वृद्धि हुई या कम हुई उसमें जो एक सर्वेक्षण में इसकी रिपोर्ट आने की संभावना रहेगी क्योंकि रिपोर्ट मार्च 2018 तक आएगी जिस तरह उन्होंने कहा कि इससे सेंटर उपलब्ध कराने के लिए और ज़रूरत है तो निश्चित मैं सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे देश में 257 जिले और 424 हमारे इरका सेंटर्स हैं इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं फॉर एडिक्ट्स और उसके जो रिकमेंडेशन है वो जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो आती है उसको ही हम अगर कोई डिमांड आती है तो उसके साथ हम उनको वित्तीय सहायता देने के लिए जो योग्य सहायता करते हैं वो उसकी करें अगर कोई भी डिमांड आएगी तो उसको हम पूर्ण करते हैं अध्यक्ष मोदी जी उत्तर में तो अच्छा है लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी किया था कि स्कूल जाने वाले छात्राओं को अल्कोहलिक और ड्रग्स के प्रभाव से बचाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए अध्यक्ष महोदय मैं ये कहूँगा कि आजकल कॉलेजेस और स्कूल के पास ये ड्रग वाले बहुत घूमते हैं हमारे बाकी की यंत्रणा जो पुलिस डिपार्टमेंट की यंत्रणा होती है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है जरा समझो क्योंकि उन्होंने भी
प्रश्न है वहाँ ड्रग्स और ये बच्चों को विद्यार्थियों को ये करके नशा में लाते हैं। मैं कहूँगा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था नेशनल एक्शन प्लान वो तो करना चाहिए। और ये कभी बनाएंगे आप? ये सत्य है कि भारत में नशे के आदि लोगों में से 20% 21 से कम आयु के बच्चे हैं, यह संख्या बढ़ती जा रही है। क्या सरकार ये ड्रग एक्शन करने के लिए, मैं कहूँगा कि ये छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये कर रहे हैं, ये देश में मतलब ये भारी चिंता की बात है। और ये नशा मुक्ति के रोकने के लिए कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेजेस के शामिल करके वहाँ भी कुछ आप कंट्रोल करेंगे क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ प्लीज़। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमति व्यक्त करता हूँ। और जो उन्होंने उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई एक्शन प्लान बनाया जाए, निश्चित रूप से उस आदेश के अनुसार हम एक्शन प्लान बना करके आगे बढ़ रहे हैं। 2012 में नशा मुक्ति की नीति बनाई थी, उस नीति पर पुनर्विचार भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो अगले साल तक नीति फाइनल होकर के हम उस पर भी अमल करेंगे। जहाँ तक आवारा बच्चों का और बच्चों में नशीले पदार्थ सेवन की और इंजेक्शन के माध्यम से या उसमें किया अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन की बात है, निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें नशा मुक्ति के लिए जब हम उनको बुलाते हैं तो पहले की तुलना में संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ रही है उनका हम पुनर्वास करने की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे ये भी सिद्ध होता है और ये भी सिद्ध होता है कि हमने ज़्यादा लोगों को नशा मुक्त कराने की कोशिश भी की है और उसमें भी सफलता मिल रही है। हमने 2015 में मणिपुर और पंजाब में भी सर्वे कराया था और 2015-16 में दिल्ली में जो आवारा टाइप के बच्चे जो आपने चिंता व्यक्त की, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमते हैं और नशीले पदार्थ सप्लाई करते हैं और खुद भी उसका उपयोग करते हैं और लोग बच्चों की आदत बिगाड़ते हैं, उसका भी सर्वे कराया है। और इन सब बातों की रोकथाम के लिए हम गृह मंत्रालय के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ और वित्त मंत्रालय के साथ एक संयुक्त कमेटी है हमारी, समय समय पर बैठक करके कार्य योजना बनाते हैं और उस पर अमल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। जी भैरव प्रसाद मिश्रा जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिस इज नॉट प्रॉपर, योर बिहेवियर इज आल्सो नॉट प्रॉपर, प्लीज गो। और विशेषकर शराब की वजह से जनधन की बहुत ही हानि हो रही है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में और गरीब परिवारों की हालत इससे बहुत ही। मैडम, आपके द्वारा मैं एक अपील करना चाहता हूं। मैडम, चुनाव हो चुका है और जनादेश मिल चुका है, पूरा सदन वो प्रश्नकाल में भाग लेना चाहते हैं। मैडम, पूरा सदन, केवल हमारे कांग्रेस के मित्र वेल में आए हैं। हमारे कांग्रेस के सांसदों से, मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आपके सीट पर जाओ और बहस में और प्रश्नकाल में आप पार्टिसिपेट करो, यही निवेदन करना चाहूंगा। मैडम, नशे के कारण और विशेषकर शराब के कारण जनधन की बहुत ही हानि हो रही है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में और गरीब परिवार इससे बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। शराब की दुकानें विशेषकर ऐसे ही क्षेत्रों में खुलती हैं, और अभी जो निर्देश गया था कि जो सड़क के किनारे दुकानें न खोली जाए, वो भी घनी आबादियों में खोल दी गई हैं, तो इससे लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। और अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जो राजस्व का एक जरिया प्रदेश सरकारों ने इसको बना रखा है, इसको क्या पूर्व शराबबंदी पूरे देश में लागू करने की नीति कोई सरकार बनाएगी? अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, केंद्र सरकार इस समय अगर कुछ कहेगी तो संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा, इसलिए ये व्यवस्था राज्य सरकार अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। छोटा नरसिंहन जी, छोटा नरसिंहन जी, मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। I want to know from the Honorable Minister through you, Madam,
whether there is any particular agency to access the data relating to de-addiction centers in India. I want to know from the Honorable Minister through you, Madam, if the government has allocated any specific amount in the budget allocation to curb drug abuse and maintain de-addiction centers. Whether the government is planning to set up any specific agency at state level to monitor the rehabilitation and de-addiction centers. Whether the government has any mechanism to create awareness on reducing drug abuse and addiction, particularly among youth of India. Thank you, Madam. अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय सांपला साहब ने बताया कि 2001 में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के बारे में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के माध्यम से, हालांकि वो सर्वे पूर्ण संपूर्ण देश के लिए नहीं हुआ था, सैंपल सर्वे था, फिर भी 7,32,00,000 की संख्या आई थी। बाद में हमने मणिपुर और पंजाब का भी करवाया, दिल्ली का भी कराया, परंतु अभी सारे देश में 36 ही राज्यों में सर्वे कराने का एक कार्य हाथ में लिया है। एम्स से संबंधित एक संस्था है, उसको सर्वे एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। 38 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उसके लिए स्वीकृत की है, उसमें से 18 करोड़ हम उनको दे चुके हैं। सर्वे कार्य गति पर है। मार्च 2018 तक जब वो सर्वे आएगा तो उसमें जो आंकड़े आएंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 42, श्री एमबी राजेश। थैंक यू मैम। मैडम स्पीकर, वी आर विटनेसिंग मच हाइप अबाउट, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर विंटर सेशन इसीलिए मांगा था इन्होंने चिल्लाने के लिए। मिनिस्टर, थैंक यू मैडम। वी आर विटनेसिंग मच हाइप अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टुडे, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। मैडम स्पीकर, स्वामीनाथन कमीशन, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हैड रेकमेंडेड एमएसपी ऑन द बेसिस ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, cost of production plus 50%, and they are not worried about this government. They are not worried about this government has not implemented Swaminathan Commission recommendation. Finance Minister yesterday stated that Gujarat result is a verdict on GST. If that is correct, if that is so, whether the government will accept that the Gujarat rural result is an verdict on their agricultural policies, including MSP. So my question is whether the government in the last 3 years, the rate of growth of MSP has been low in 9 out of 11 crops, compared to previous 3 years. So my question is whether the minister will assure that they will implement the Swaminathan Commission formula on MSP in a time-bound manner. Yes, Minister. महोदय, माननीय सदस्य का सवाल राजनीतिक भी है, गुजरात चुनाव से भी संबंधित है। आप राजनीति का उत्तर मत दो, चाहे तो उसका उत्तर वहाँ की जनता ने दिया है। लेकिन जहाँ तक स्वामीनाथन जी के अनुशंसा का सवाल है, अपनी अनुशंसा में इन बातों का उन्होंने जिक्र किया है, सरकार मूल्य एवं लागत आयोग के सिफारिशों के अनुकूल प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य बढ़ाती है, लेकिन उनके सिफारिशों में A2, FL, C2 कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं और इसके लिए हमने कुछ नोट्स बना के स्वामीनाथन जी के पास भेजा है कि इस पर स्पष्ट रूप से आप अपना मंतव्य दें, क्योंकि आयोग में कई प्रकार की उसमें सिफारिशें हैं उनकी। ऐसे जो लागत मूल्य से 50% ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए लागत एवं मूल्य आयोग की जो सिफारिशें आती हैं 16 राज्यों में, उनके माध्यम से लागत मूल्य की जानकारी ली जाती है और आयोग के द्वारा समय समय पर ये मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो MSP निर्धारित किए जा रहे हैं,
कई राज्य ऐसे हैं जहां वो MSP भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं। मैं माननीय रामविलास जी को जरूर बधाई दूंगा कि ये लगातार प्रयत्न में हैं, राज्य सरकारों के साथ मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो MSP तय है वो किसानों को मिले। मैडम स्पीकर, माय क्वेश्चन वाज वेदर द यूनियन गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द प्रॉमिस ऑफ MSP ऑन द बेसिस ऑफ स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सप्लीमेंटरी, ही हैज रिप्लाइड दैट क्वेश्चन। सेकंड सप्लीमेंटरी, डबलिंग फार्मर्स इनकम वाज येट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉमिस मेड बाय दिस गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज। यस, ऑफ कोर्स द फार्मर्स इनकम, द रियल इनकम हैज बीन स्टैग्नेटिंग इन द लास्ट 3 years. So my question is, in order to increase farmers' income, in order to increase the farmers' income, MSP is very crucial. Whether the government will introduce a legislation to ensure that farmers will not be forced to sell their products below MSP, whether the government is ready to bring such a legislation. Thank you. So the किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने कई नई योजनाओं का शुरुआत किया है, बजटीय आवंटन भी बढ़ाया है और बजटीय आवंटन के अलावे कॉर्पस फंड भी बनाए गए हैं। जहां तक कानून बनाने का सवाल है, अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया। सुचेता देव, श्री अर्जुन लाल मीणा, धन्यवाद मैडम। मैं माननीय मंत्री जी ने जो MSP के संबंध में जो जवाब दिया है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरा पूरक प्रश्न ये है, क्या भारत सरकार राजस्थान राज्य की विशिष्ट फसलों यथा ग्वार, मोठ, चोला, जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल, अरंडी, ग्वार पाठा तथा मेहंदी के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का विचार रखती है क्या? धन्यवाद। अभी 22 जो मुख्य फसलें हैं उनका MSP तय है और जिन फसलों का MSP तय नहीं है, यदि राज्य में 10% उत्पादन ज़्यादा होता है और कीमतें गिरती हैं तो राज्य सरकार के प्रस्ताव आने पर बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 2 वर्ष में बाजार हस्तक्षेप योजना को राज्यों के प्रस्ताव आने पर बड़े पैमाने पर लागू किया गया है और इसके माध्यम से अभी किसानों को राहत दी जाती है। अकोली घोष, रसोई में आग लगी हुई है। पहले तो प्याज काटने में आंसू आ जाता था, अभी बाजार जाके प्याज खरीदने में आंसू आ जाता है। मैं पूछना चाहती थी कि होलसेल प्राइस Inflation rose to 3.93% last month, mostly due to rise in onion and tomato price, among other vegetables, which saw a rise up to 59.8%. But onion was the highest at 178.19% price rise. Honorable Madam, Minister has been said to have retorted that he cannot control the onion prices and has also restricted export of onion. My question is through you, Madam, is whether onion is being imported and brought from outside, how much of onion is being bought, at what price and from which country? Thank you. Yata, this is only for MSP, whatever it is. Sunil Yata, do you want to ask? No, it's okay. Ganesh Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वर्ष 2017-18 के लिए जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है उसके लिए पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन जरूर उनसे करना चाहूंगा कि जो समर्थन मूल्य जारी होता है लेकिन मंडियों में उससे कम दाम पर किसानों की फसल को खरीदा जाता है, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू किया, जो समर्थन मूल्य के से कम दाम पर अगर मंडियों में कोई चीज बिकी तो उसके बीच की राशि को हमारी सरकार ने अपने खजाने से किसानों के खाते में देने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य से कम भाव पर अगर मंडियों में
अनाज खरीदा जाता है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है? कि मैंने पहले भी कहा कि जो समर्थन मूल्य जिन जिंसों का घोषित है उसमें जो राज्य सरकारें राशन में देती है वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के माध्यम से विकेंद्रित व्यवस्था के द्वारा राज्यों की मशीनरी ही खरीदती है, और इसके अलावा जो दलहन तिलहन और कपास है जिनका समर्थन मूल्य घोषित है राज्य के प्रस्ताव आने पर PSS योजना के तहत खरीदारी होती है, लेकिन मशीनरी राज्य सरकार की होती है। मैं मध्य प्रदेश को बधाई दूंगा कि उसने एक नई व्यवस्था वहाँ शुरू की है, अप्रूवल लिया है भारत सरकार से, और हरियाणा में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव है। मैं राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि जो समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिले ये सुनिश्चित करें, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। श्री अर्जुन चरण सेठी जी, आई लाइक टू आस्क द क्वेश्चन दैट हियर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑनरेबल मेंबर दैट various agricultural produce. It has been mentioned that very whether increase in the prices of various agricultural produce has been considered by the government of India while increasing the prices of MSP of the different commodities. He has not mentioned about the paddy, because paddy is also one of the major crop produced by the agriculture throughout the country, and various states and agriculturists has also emphasized and asked and demanding increase the prices of the MSP of the paddy. Why he has not mentioned about the paddy? So I may can he answer to my question, sir? महोदय, सवाल में रबी फसलों का लिए पूछा गया था जिसका उत्तर ले किया गया है, लेकिन मैंने बताया कि 22 फसलों के समर्थन मूल्य तय होते हैं जिसमें धान के भी तय होते हैं। माननीय महोदय से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया खरीफ के सीजन में। अब हम सब मिलकर राज्यों में सुनिश्चित करें कि जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है उसकी खरीदारी हो। प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टिंग यू, ये जो भी चुनावी सभाओं में हुआ है इसको लेके हाउस को डिस्टर्ब प्लीज मत करो। नो, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग। आप पूरी सभा को डिस्टर्ब कर रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज गो टू योर सीट। नो, ये अभी यहाँ कुछ नहीं होगा। आई विल नॉट अलाउ एनीथिंग समथिंग। नो, क्वेश्चन नंबर 43। जो आप पटल पे रखा गया हाउस, यू कैन गो। मैडम, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस देश में जो आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं उनको रोकने के लिए और हमारी फोर्सेस को आधुनिक करने के लिए जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा भी करता हूं और सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। कल जो देश में दो राज्यों के परिणाम आए, गुजरात और हिमाचल में जो हमारी जीत हुई, तो मैं अपोजिशन की ये हालत को समझ सकता हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि आतंकवाद की घटनाएं जब इस देश में ऐसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बार बार चुन के आएगी तो आतंकवाद की घटनाओं को भी उनमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। मेरा पहला सवाल मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो यूथ है
वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करें, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है उनको मोटिवेट करने के लिए। दूसरा सवाल, और जो हमारे कश्मीर का यूथ है, सेकंड सप्लीमेंट्री मिलेगी ना उसपे? मेरे पहले सवाल में यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और उनको जो हमारा कश्मीर का यूथ है जो वारदात में वहां पर लिप्त होता है, उनको क्या एचआरडी मिनिस्ट्री से एजुकेशन के साथ या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से उनको खेलों में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य जो उन्होंने सरकार के आतंक विरोधी हरकतों को रोकने के लिए उस सरकार को सफलता मिली है, उस पर उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने देश के युवाओं को पुलिस फोर्सेस में सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, तो मैं उनसे एक जवाब उनको जानकारी देना चाहता हूं। हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें एसपीसी दो स्कूल पुलिस कैडेट के नाम से हम एक स्कीम चलाने वाले हैं जिसको मान्यता मिली हुई है, और बहुत जल्दी हमसे लॉन्च करके युवाओं को उसमें हम स्कूल के बच्चों को भी इसमें पुलिस शिक्षण देने की योजना बनाई गई है। साथ में कश्मीर में भी कश्मीर के युवाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए हमने एसपीओ की भर्ती की गई, और वहां पर भी युवाओं को पुलिस की फोर्सेस में भर्ती करने के लिए हमने प्रयास किया है, और साथ में कश्मीर में भी हमने सीएपीएफ की भर्ती जारी की है, और वहां पर जम्मू कश्मीर के ही युवाओं को उसमें भर्ती करने का सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद। मैडम, मेरा दूसरा सवाल है कि मैं सबसे पहले तो हमारे देश के जवानों को बधाई देना चाहता हूं हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब दिवाली के मौके पर जवानों के साथ में अपनी दिवाली मनाते हैं तो जवानों का उत्साह बढ़ता है, जवानों का मनोबल बढ़ता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो राज्य सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है, केंद्र सरकार द्वारा अलग मदद दी जाती है, हर राज्य के सरकार द्वारा अलग अलग मदद दी जाती है। क्या कोई ऐसी एक योजना ला सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जवानों को ज्यादा से ज्यादा, अगर वो जवान हमारा शहीद होता है तो उनके परिवार को लेकर, उनके बच्चों को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों के साथ मिलकर कोई एक अच्छी स्कीम हम लेके आए जवानों के लिए, जिनसे और उनको हम अपना मोटिवेट कर सके हमारी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो जवान हमारे सुरक्षा बल के जवान या पुलिस शहीद होते हैं, इन लोगों को हमारे गृह मंत्रालय से घोषित किया गया है कि गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों में घोषणा की थी कि ऐसे कोई भी शहीद परिवार को एक करोड़ रुपए से कम उन्हें उसके शहीद होने के बाद में मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और इसी के चलते हर किसी भी जवान के शहीद होने पर उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ में इन जवान शहीद होने वाले जवानों के परिवार को नौकर भर्ती के लिए भी उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, उन्हें नौकर भर्ती में भी मदद की जाती है, और ये सभी राज्यों और यही स्कीम विविध राज्यों में अलग तरीके से उन्हें वित्तीय स्थिति दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, और हमारे जल्दी हम जम्मू एंड कश्मीर की जो भी हमारे जवान पुलिस है उन लोगों को भी भारत सरकार के द्वारा कुछ जो जवान शहीद होते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने के बारे में सरकार विचार कर रही है, और पुरानी सरकार की तुलना में अभी हमारी जो पुरानी सरकार थी
यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो मदद नहीं दी गई है उससे कई गुना अधिक मदद दी जा रही है, और हम उसके उन शहीद परिवारों के लिए भी आर्थिक मदद, सहायता, स्कूल में पढ़ाई के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। धन्यवाद। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्वेश्चन अवर को प्लीज डिस्टर्ब मत करो। नियम के अनुसार मैं अलाउ नहीं कर सकती, नहीं करूंगी, चाहे जो रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी। एक तरफ तो विंटर सेशन नहीं लगता है इसलिए बाहर बातें करते हो, अंदर आके सेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू। अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपको नहीं चलाना लेकिन बाकी सबको चलाना है, अपने प्रश्नों के उत्तर लेना है। क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब मत करो, आई एम सॉरी। और आप नहीं चलाना चाहते हो, लिख के दे दो कि हम सेशन नहीं चलाना चाहते, ठीक है। विंटर सेशन बुलाने की तो बात करते हो, दिस इज नॉट प्रॉपर एट ऑल। नो हाउ